गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग। आज हम क्या लर्न करने आए हैं? पोयम। और ये पोयम कौन सी है, कौन सी बुक में है आपके? सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज। सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज में पेज नंबर 4141 में देखिए, ये जो पोयम है, ये पोयम आपको लर्न भी करना है। और ये पोयम कैसी है, हम गा के आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ये पोयम एक वाटर मीन्स पानी की है, और पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और पानी से ही हम जीवित रहते हैं, पानी से घर बनते हैं, पानी से ही पेड़ होते हैं, पानी से एनिमल्स जो होते हैं वो भी जीवित रहते हैं, पानी से हम पी के जीवित रहते हैं, पानी नदियों से, तालाब से, झील से, झरनों से हम तक पहुंचता है, और तालाब को पानी सारे नदी तालाब झील झरनों से पानी हम तक पहुंचता है। तो पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। पानी को बचाओगे तभी तो पानी आपको आगे तक मिलेगा, इसलिए पानी को भी सुरक्षित रखना है। जिसके लिए पानी जैसे नल अगर चालू है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है तो नल को बंद कर दो, है ना। इसी जैसे लाइट नल इन सब का उपयोग हमें समय समय पे करना है, क्योंकि अगर ये चीजें सब खत्म हो जाएगी तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे कर इसकी पोयम है मेरे साथ आप बोलिए। Water form a dark cloud running from the sky. Water boiling hot. Water frozen ice. Water a fire grazing hot a house. Water in a garden. So everywhere flower grows. The sea, water, water, everywhere for you and for me. Wow, water, water, everywhere. Water, water, everywhere. Water all round. Water, water, everywhere. Water, water all round. Water in the ocean, water in the ground. Wow, कितनी प्यारी पोयम है। इस पोयम को आप लर्न करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सबको सुनाएंगे, मुझे भी सुनाएंगे। तो आप जल्दी से इसे क्या करेंगे, आप जल्दी से लर्न करके आप वीडियो सेंड करेंगे। लेकिन सारे बच्चे हमें नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, हमें सेंड किया करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि सारे बच्चे कितने एक्टिव हो गए हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो सभी लोग इस प्रकार से आप वीडियो देख के लर्न करने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय। हम इसके बाद आपको एक अच्छी वाली स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, आप इसे जल्दी से